तो भाई हम पहुंच चुके हैं, सामने दिख रहा है आपको जयगढ़ का किला और ये हमारा वालू भैया आलू खा लिए जो उल्टा चल रहा है। देखो इसने आलू क्या खा लिए, उल्टा चलना चालू हो गया वो तो। शानदार चढ़ाई है और ये जीत का फतेह, जीत का झंडा लहरा रहा है। ये देखिए शानदार नजारा, क्या ही शानदार है। और चारों तरफ हरियाली, शानदार, अच्छी खासी गर्मी है, धूप की चमचमाती धूप। ये देखिए यहाँ पे हथियार और जितने भी युद्ध से संबंधित सामग्री जयगढ़ किले के अंदर मिलेगी आपको देखने को। ये देखिए बिल्कुल शानदार खड़ी चढ़ाई। दोस्तों देखिए ये आ गए बाबा गोरखनाथ, जो जयगढ़ के रास्ते में उत्पत्ति उनके भी अभी, और ये बीच रास्ते में प्रकट हुए हैं। अब जो भी पर्यटक यहाँ से निकलेगा इनको गोबर चढ़ा के जाएगा, गोबर वाले बाबा जी। और ये सामने आ चुका है जयगढ़ का किला। चक्कर आओ चढ़ी आपको दिख रहा तोप का कारखाना बंजरंगवान तोप। और ये आगे छोटी छोटी दो तोप है, ये मेन द्वार से। और ये तांगे गाड़ियां जो कभी महेंद्र यहाँ चलाया करता था खून पसीनों की कमाई। जयगढ़ सेलिब्रिटी ये आगो तोप खाना, हाँ तो तोप से बजरंग मारिया तोप अंदर लड़ाई के समय। बेलों से खींच कर ये बत्तीस बैलों से खींचा था, अब गड़ चुकी है। तो यह है बजरंग बाण, ये तोप जयबाण के बाद में दूसरे नंबर की है। और इन तोपों का निर्माण जयगढ़ के अंदर हुआ है। राजा मान सिंह जब काबुल युद्ध के लिए गए थे तब वहां से पद्धति सीख के आए थे। और तो उसके बाद में जब से जयगढ़ के तोपखाने निर्माण करके तोप यहीं बनाना चालू किया था। और ये देख रहे हैं आप, ये जो तोप की नाल होती है वो बनाने काम में आता है। इसमें जो तोप का जो छेद किया जाता है नाल में, और 8 जोड़े बेल उससे घुमाया जाता है इसको। तो इससे जो सामने देख रहे हैं ये नाल है तोपों की, और जो कुछ इस प्रकार थी। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं संग्रहालय की तरफ। और ये सामने ये कार्यालय,
तो दोस्तों यहाँ पे है भट्टे के औजार, जैसे संडा छुए, कड़चुई, चिमटे हुए और इसी प्रकार। देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये तो किनारे के मोटे मोटे मटके हो गए और लकड़ी की सिगड़ी, ये सिगड़ी है लकड़ी की जो तोपे में काम आती थी ये। और सामने आपको दिख रही है चक्की, हाथ से घुमाने वाली चाकी। तो देखिए लोहार खाने के विभिन्न औजार, ये देखिए विभिन्न औजार क्या क्या हैं। प्लेट दिखाई, प्लेट देखो ना, कौन मना कर रहा है। और एक पीपल का वृक्ष, चारों तरफ से चौगान, बढ़ई के औजार, और ये सामने मोटे मोटे रस्से, तो इन्हीं औजारों से बनाते थे। और ये सामने ये आगे बढ़ई के औजार, इसके बाद में आएंगे लोहा खाने का सामान। ये आ गया आपकी, और ये बड़े बड़े टैंक हो गए दारू के, टैंक वाला बेटा बाला था, बाला। और ये बाले है सामने और वो डाला, और शाम ये बाल आ गए और ये इधर डाल आ गए और दारू की टंकी आ गई मोटी मोटी चार पाई। ये आराम से मौज मस्ती करने के, आराम करने के लिए रजाए गद्दे, शानदार शानदार। ये कहीं कहीं हो जाती, तो ये आ गए हम जयगढ़ के राज मशीन कटर और मॉडल खाद मशीन। तो ये औजार युद्ध के जो औजार बनते थे वो काम में आते हैं। ये देखिए बड़े बड़े तो तोपों के नाल बनाने में और अन्य, ये इस प्रकार ये डेमो है। और इसका बड़ा रूप आगे जो आपको दिखाएंगे हम। ये आठ जोड़ी बेल, यानी सॉरी चार जोड़ी बेलों की, यानी आठ बेल इसको घुमाते थे जिससे तोप के नाल में छेद होता था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहा भाई, बड़ी तोप की तरफ। और सामने ये तोप आ गई, तोप तोप ही तोप मिलेगी, तोप ही तोप। क्या क्या जानकारी दोगे हमारे को? जानकारी इस किले के बारे में देंगे, 1000 साल पुराना किला है। अच्छा, नहीं ये देखो पुराने कूलर है, जो पहले लाइट नहीं थी तो हाथ से चला के यूज करते थे राजा के लिए, हाथ से चलाते थे, हाथ से चलाते थे। तो ये इसमें तो लग रही बेल्ट है, बेल्ट नहीं रस्सी डाल के वो घुमाते थे हाथ से। अच्छा, पहले लाइट नहीं थी तो 700 साल पहले उस जमाने के ऊपर
राजाओं की पाल के जो जय आमिर सिंह जैसे राजा थे हाथी पे सवार होते हाथी पर रखने का भी होता है जो आगे सैनिक बैठते थे उसको राजा खेती का बनाया गया सैनिकों के लिए आमिर और किले में राजा लोग रहते हैं और यहाँ पर सैनिक रहते हैं ये नंगारे यहाँ पे बजा के सैनिकों को इकट्ठा करते हैं नंगारे बजा के यहाँ पे राजा और सैनिक की मीटिंग होती थी इसमें सुपर यहाँ पे राजा बैठते थे इकट्ठा करने के लिए ना नंगारे बजा के इकट्ठा करते थे सैनिकों को फिर मीटिंग करते थे इस हॉल में मीटिंग ये तो बाद में आई है केले के क्या पेड़ लगाए राजा इसलिए कि इसका डेकोर अच्छा हो गया और सब पाक तो भी ये गवर्नमेंट के अंडर में या प्राइवेट में राजा के अंडर में के और आमिर आमिर वाला गवर्नमेंट के अंडर अच्छा नारगढ़ नारगढ़ भी गवर्नमेंट के अंडर नारगढ़ जयगढ़ आमिर वाला तीनों एक ही राजा के थे अब ये राजा के अंडर में और आमिर कौन है इसका स्वामित्व अभी 41वीं पीढ़ी है पद्मनाथ सिंह जी 25 साल पोलो खेलते हैं वो पोलो खेलते हैं इंग्लैंड में इंडिया इंग्लैंड इंग्लैंड में और वहीं पढ़ते हैं कुलपति निवास है यहाँ पे राजाओं की गुप्त मीटिंग होती थी ओपन बनाया गया वहाँ पे सैनिक और राजा की होती थी यहाँ पे राजा की गेट खुलते थे ना लोग पर ओपन ही है ये तो ओपन बनाया गया राजा राजा ये वास्तु बनाए गए पहले खुलते थे लेकिन अब तो टूरिस्ट आते तो बंद करते इसलिए बंद कर दिए रानी राजा नहाने के लिए वास्तु ये लक्ष्मी विलास है यहाँ पे डांस प्रोग्राम होता था वहाँ पे सेनाएं बैठती थी यहाँ पे डांस गाना होता था सैनिक बाहर बैठते थे राजा इस गिद्धे पे बैठते थे गिद्धा तो चेंज होता रहता लेकिन इस तरीके से बैठते थे गिद्धे पे रानी अंदर बैठती थी ब्लैक कलर का जाली का पर्दा होता था कि अंदर बाहर से कोई देखे तो रानियाँ अंदर वाले दिखाई नहीं दे तो रानियाँ बाहर का प्रोग्राम देख सकती थी ये बगिया है तो रानियों को आमिर से जगत पे लाते थे सैनिक खंडे पे बगियों में तो राजाओं का पीछे क्या है पीछे तो बाहर का यूँ देखते थे खिड़की खोल के और इसके अंदर बैठती थी रानियाँ और ब्लैक बाहर राजा बैठते ब्लैक जाली का पर्दा होता था इस पे बैठते तो बाहर वाला रानियों को अंदर देख नहीं सके और रानियाँ अंदर से बाहर का प्रोग्राम देख सकता राजा ओपन आते थे रानियाँ अंडरग्राउंड टनल में नहीं वो एक नारगढ़ से भी आमेर के बीच में टनल होना एक नहीं सिटी प्लेस से नारगढ़ और आमेर से जयगढ़ अच्छा सिटी पैलेस नारगढ़ तो चालू क्यों वो बंद कर रखे थे पहले चालू थे ये भी बीच में से बंद कर दिए राजा वाला ओपन कर रखा है आज सूर्य पैदल आते पैदल जाते डेढ़ किलोमीटर वो टनल बंद कर दिया ओपन है ये कहाँ जा रही है यहाँ से बढ़ते थे यहाँ से ओपन था इतना और ऊपर देख रहे हो टनल है फिर से जैसे कनेक्ट है डेढ़ किलोमीटर इसमें से राजा लोग अंदर खाना खाते हैं डांस प्रोग्राम देखे तो अंदर बनाया गया यहाँ पे पॉपर शो चलता था पहले भी चलता है आज भी चलता है पीजी तरफ पीजी पुतले आते विक्रम करते थे पहले तो रानियाँ ऊपर बैठती थी प्ले कर लेकर वही पर्दा होता था राजा यहाँ बैठते थे और जो कठपुतले वाला कार्यक्रम दिखा था उसके भी बीच में पर्दा होता था आज भी लगा हुआ तो पर्दा होता था कि रानियाँ उनको नहीं देख सकती थी अरे भाई पहले पर्दा पड़ता था उनको नहीं देखती थी रानियाँ पर्दे के अंदर रहती थी तो वो टनल के अंदर ही है बैठा हुआ लगता है सो देखना देख लो इधर जो आपकी इच्छा से देना चाहे दे सकते हैं बोल रहे नहीं और देखो
ये रानी का रास्ता करने के बाद में नाच गाना देखती थी। तो डेली चलता था नाच गाना? नहीं नहीं, कभी कभी आने से जैसे आने तो कभी कभी मन हो जाता उनका, चलो आज आनंद जयगढ़ करना। फिक्स होता होगा कि ये भाई भोजन साला भोजन साला भाई, ये बर्तन आज से 600 साल पुराने अष्टातु से बने सोना चांदी पीतल का मकाशे 8 मीटर मिक्स है। ये राजा जयसिंह जी का पुतला बनाया, उनका पूरा परिवार। तो राजा लोग कभी कभी आते तो यहीं पे खाना खाते, उधर रानियाँ खाती थी, इधर राजा खाते थे। वो ब्लैक कलर का दोनों के बीच में पर्दा होता था, तो राजा रानी के बीच में होता था। ये पड़े हुए बर्तनों के अंदर ही तकलीफ है, ये खाना तो चेंज होता रहता है, खाना बनता है चेंज करते हैं। अरे सिंह जी, उनका पूरा परिवार। तो इसमें 10 कौन कौन से? अरे बहुत सारे होते हैं यार, उनके कुछ खास मंत्री संतरी भी होते हैं। ये शनि का जो हवा डालते हैं खाना पूछते हैं किचन। ये क्या राजा भोजन बनता है किचन है, यहाँ पे मांसाहारी खाना बाहर मिलता था, शाकाहारी अंदर। इधर मांसाहारी और इधर शाकाहारी सीखने का। राजा जब भी दाल बाटी चूरमे में मजमा आती तो बाटी बनता था, उस पर आदमी चूरमा बनता था, वहाँ पे पानी स्टॉक होता था। पुराने बर्तन में पहले हाथ से कूट के मसाले यूज करते थे, हाथ से मसाले कूटते थे, उधर खीर बनाना उसमें उसमें खीर बन गया। चटनी पीस रही है, चटनी यहाँ पे रोटी बना रहा है, सैनिक लोग रोटी बना के भी इससे देते। ये पूरी रसोई का हो गया, ये किचन है पूरा, रसोई बना। यहाँ पे चावल दाल दूध साफ सफाई का काम चलता था, इधर बंद में चलता था। ये उनका पूरा परिवार। डाइनिंग हॉल है रानियों का, ये दासिया ऊपर से हवा डाल रही है। अरे बोझा फिक्स हो भाई, ये सब तो खाना तो रहता था, सामान बाहर से सामान लाते तो सामान मंदिर। यहाँ पे ये योद्धा जो राजा लोग युद्ध पे जाते हैं, ये सेफ्टी के लिए रखा गया। क्यों, क्या चीज़? जो राजा लोग युद्ध होते थे हाथी पे सवार होकर सैनिक और राजा अच्छा। इधर आओ तो ऊपर में दो पड़े, वो तो राजाओं के, ये सैनिकों के हाथी पे सवार होकर युद्ध के लिए जाते, तो ये तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए रखा गया। जहाँ पे राजा के तिलक होता था युद्ध के लिए जाते, तिलक यहाँ पे, तिलक होने के बाद राजा 2-3 दिन लगते, तब तक रानियाँ दोनों तरफ रूम बनाए हुए, यहीं पे विश्राम करती। राजा रानियाँ सुरक्षा के लिए यही रहती थी, और राजा युद्ध जीत के वापस आते तो साथ में राजा और रानी आमेर किले में जाती है। आज तो यहाँ पे रूम बने हुए अंदर अंदर रूम है ना, दोनों दोनों तरफ तो रानी है, किला पता है, ललित मंदिर राजा होती। बाहर की तरफ सागर है, पानी इकट्ठा होता था बारिश का, पहले पानी पीने का यूज करके। अपना फोटो भी ले लो, अच्छा है। ये पूरी पहाड़ी इलाका है, क्योंकि पहले पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। पहले बड़े वाले टंके में पानी जाता था, वो ओवरफ्लो हो जाता था, ये सागर में आता। इस सागर का पहले पानी यूज़ करते थे, क्योंकि धूप से पानी ये सूख जाता था,
तो इसमें दोनों तरफ रास्ता है सैनिक लोग आमेर वाले किले में पानी ले जाते हैं जयगढ़ में लाते हैं। पहले ये पानी यूज करने के बाद अब तो दरकत लग गई है, साफ करे तो रास्ता पूरा है। ऊपर क्या पड़ी पूरे जा रहे आर्मी डा रही है ना। फोटो ले लो अपना यहाँ से देखा तो ले यार एक बार साथ में यार दे भाई, क्योंकि सीमेंट गर्म रहती है चूना ठंडा रहता है। ये फाजिन के लिए बनाया गया, ये दूर का, ये नजदीक का, ये साइड का। किस काम में लेते थे? इस तरह बिल्कुल शूटिंग हो रही कोई बंदा दीवार पे रश डाल के आए तो राउंड मारेगा तो यहाँ पे आएगा, उधर से इधर आएगा तो ये होल कर रखे सेंटर में, तो यहाँ पे गर्म पानी और गर्म दीवार से होल बनाया गया। लाल बादशाह मूवी थोड़ी थी कि अमिताभ बच्चन का, तो इस तीन गेट पे लास्ट का सीन अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है। बीच वाले में लाल बादशाह मूवी देखोगे पूरा किला आ जाएगा। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं यह है पानी के टांके, और इन्हें पानी पीने के काम में लिया जाता था, और इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था और साल भर के लिए सेना और जो किले में रहने वाले लोग उसका पानी पीने योग्य काम में लेते थे। इसको फिल्टर करने के लिए चूना और फिटकरी डालकर पानी को पीने लायक बनाते थे, जिससे पानी फिल्टर होता था और शानदार पीने योग्य पानी रहता था इसमें। और बताया जाता है कि 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब इन टांकों को खुदा कर इंदिरा गांधी सरकार ने खजाना जाना जो भी था वो यहाँ से निकाला गया था, और यहाँ से निकाल के जो जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे है उसको आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ बताया जाता है इस प्रकार कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में खजाना मिला था, और उस खजाने के बारे में आज तक ना तो किसी को पता है ना और कुछ है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं विश्व से सबसे बड़ी तोप के पास, जिसका नाम जयवान है। इसका निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था, और इसका निर्माण जयगढ़ के तोपखाने में हुआ है। और जो सामने आप तोप देख रहे हैं वो 30 फीट लंबी, 50 किलो वजनी, और इसका जो पहिया देख रहे हैं आप सामने वो लगभग 7 फीट लंबा है। और इस तोप को चलाने के लिए 100 किलो बारूद और 50 किलो गोले की आवश्यकता होती है, जिसे एक बार ही टेस्टिंग के लिए चलाया गया था। ऊपर तोप देखी होगी ना, जयवान तोप, वो एक बार चली थी टेस्टिंग के लिए, तो जो बंदा चलाने वाला था ना वो ऊपर से चला के नीचे कूद गया था इस पानी में। यहाँ पे पानी भरा रहता है काफ़ी वाटर, तो पानी के अंदर जाने के बाद में भी उसके कान के पर्दे फट गए थे, देख लेना आप कितनी खतरनाक होगी तोप। और जहाँ से वो गई थी ना, तेज था यहाँ से वो गई थी ना, जहाँ पे उसका गोला गिरा था चाकसू, जो जयपुर से करीबन 40 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ पे एक तालाब बन गया जिसको गोलीराव तालाब के नाम से जाना जाता है, और वो तालाब करीबन 32 किलोमीटर के आसपास है उसकी लंबाई चौड़ाई। गंजे की वजह से हमने लिया भाई साहब शॉर्टकट यहाँ से, क्योंकि वरना ये यहाँ से घूम के आता और ये रास्ता आता यहाँ पे, समय भी बचा। तो अब ना भाई शॉर्टकट तो ले लिया, पर इस भाई के ना कांड हो गया, इधर से आने में लगती 5 मिनट और इधर से 10 मिनट लगा दिया इसने, तो मतलब निकला नहीं। उसको लड्डू मिल चुका, लड्डू आ जा भाई आ जा, लचार पे निकल चल। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो देखते रहिए दो कमेंट चले कमाने, ओके बाय।